Hey guys, welcome back to my another video. देखो सामने आपके खड़ी है KTM की भाई RC 390, और ये बाइक ना भाई जो आज की 390 आ रही है उससे ज्यादा बेटर है। रीजन क्या है भाई, ये BS4 के अंदर आती है, और भाई BS4 के अंदर भाई आपको भी पता है पावर ज्यादा थी, जो नई वाली आती है उसके अंदर पावर कम कर दी गई है भाई 1.5 PS से। तो भाई इस बाइक के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, और भाई लोगों ने तो ना जाने ऐसे ही बदनाम कर रखा है कि KTM छपरी ब्रांड है। भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है ये, भाई हाई रेविंग इंजन होते हैं ये, रेव फ्रेंडली होते हैं, इनके RPM ज़्यादा तक जा सकते हैं। तो भाई इसको डिफेम मत करो प्लीज़ कि ये गाड़ी छपरियों के पास। भाई हाँ, कुछ लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। KTM एक परफॉर्मेंस कंपनी है, आपको ही पता है, बाहर की कंपनी थी, बजाज के साथ कोलैब करके इंडिया में आए, और बजाज ने इसके सबसे ज़्यादा शेयर अक्वायर कर रखे हैं, तो अब ये भाई एक तरीके से इंडियन ब्रांड ही मान लीजिए आप इसे। दूसरी बात बता दूँ भाई, इसको डिफेम मत करो, क्यों? क्योंकि भाई KTM ऐसा इंजन बनाती है, जब आप इसे चलाते हो ना तो ये रॉकेट लगती है। सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आती है, 373 cc का इंजन आता है, 390 की बैजिंग मिलती है इस गाड़ी के साथ, और भाई ये गाड़ी सिंगल सिलेंडर में इतनी अच्छी पावर जनरेट करती है कि 43 PS की पावर जनरेट करती है ये, 43 PS। अगर आप अल्टो की 800 जो कि फोर व्हीलर है उसको भी कंपेयर करोगे तो वो 40 PS की पावर जनरेट कर रही है, जो कि 800 cc का इंजन है। देखो गाड़ी का कंपेयर बाइक के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल अंदाजा दे रहा हूँ कि जितनी पावर एक 3 सिलेंडर वाला इंजन 798 cc का प्रोड्यूस कर रहा है, उससे ज़्यादा ये सिंगल सिलेंडर। तो आप ये सोचो कि भाई कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी लगाई होगी इस गाड़ी के अंदर, इस बाइक के अंदर। और भाई क्या क्या मिलता था वो मैं बता दूं। सबसे पहली बात तो जो इसका लुक है ना भाई, वो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स बाइक वाला दे रखा है। हैंडल पोजिशनिंग थोड़ी सी लो मिलती है, एक बार अगर आपकी हैबिट पड़ जाएगी इस चीज़ को लेके तो आप भाई कर सकते हो। निंजा 300 को ये कितनी बार पछाड़ सकती है, ये बहुत ही इजी तरीके से। फ्रंट में आपको पूरी की पूरी फेयरिंग मिल जाती है यहाँ पे इसकी, और यहाँ पे देख लो पूरी की पूरी फेयरिंग मिल जाती है, RC मिल जाता है, और सी पे यहाँ पे भाई ये अलग से करवाया हुआ है, ये इसके साथ नहीं आता। RC 390 की बैजिंग मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर भाई ये ब्रिजस्टोन का स्टिकर लगा है, लेकिन ब्रिजस्टोन के नहीं भाई, ठीक है, मेटलाइजर के टायर थे ये कंपनी के साथ वाले। फ्रंट में आपको 2 प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, 2 LED का सेटअप मिल जाएगा, DLS जिन्हें बोल लीजिए, बड़ा सा वाइजर मिल जाएगा, साइड में आपको स्पोर्ट्स वाले मिरर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर भाई रॉ पावर है तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, मीटर पुराना वाला मिलता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको सारे जो स्विचेस हैं वो पूरे के पूरे बजाज कंपनी वाले ही मिलते हैं, तो गाड़ी के अंदर क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है। दूसरी बात भाई, ये है इसका इंजन जो कि 373 cc का है, जो कि पावर निकालता है लगभग में 43 PS की और 37 Nm का टॉर्क। भाई सिंगल सिलेंडर भाई ये इंजन है, जिसके अंदर रेडिएटर है, इस गाड़ी के अंदर भाई रेडिएटर है, आपको मैं दिखा दूँ रेडिएटर कहाँ से दिखेगा, तो आप यहाँ से देख लीजिए, रेडिएटर है, फैन है, नीचे पूरी काउल है, हाउसिंग है। और जो नई वाली KTM आती है ना भाई, उससे ये इसलिए अलग है कि जो नई वाली KTM है ना, उसके अंदर यहाँ से आके चेसिस को मतलब 2 पार्ट में कर दिया है, पीछे वाली को नट से जोड़ रखा है, लेकिन ये पूरी सिंगल फ्रेम के अंदर आती है, तो जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी कॉर्नर करने की भाई इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है। साइलेंसर इसका देखो भाई नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ से आप वहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 250 की बात करोगे तो उसके अंदर नीचे ही रह जाता है, बीच में इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है। इतना बड़ा सा इंजन आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा इंजन है, इतना बड़ा पिस्टन होता है इसका अगर देखा जाए। चेन का स्प्रॉकेट देख लो, कितना बड़ा ही चेन स्प्रॉकेट है, और जो ये ऑरेंज कलर की पूरी लाइनिंग दिख रही है ना भाई, ये अलग ही लेवल का एक स्टांस देती है। बाकी इसके अंदर ना भाई बैठने वाला फ्रंट वाला तो ठीक रहेगा, पीछे वाले को तो ये पकड़ने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर भाई पीछे की तरफ मडगार्ड भी आता है, और LED लाइट इसकी क्या लगती है, ओए होए लगती है भाई, एकदम ओए होए। हमारे एक यूट्यूबर साहब हैं, वो कहते हैं ओए होए, तो भाई ये देखो ओए होए LED लाइट लगती है इसकी। और यहाँ पे पीछे की तरफ ना ये वाला साइलेंसर कंपनी वाला ही है, और अच्छी खासी साउंड प्रोड्यूस करता है। ये पूरा फ्रेम स्लाइडर लगाए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। अब मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ कि इसका साउंड क्या रहता है, मतलब इतना किलोमीटर चलने के बाद। भाई साइड स्टैंड पे हो गई, एक्सेलरेट करना भाई एक बार, और लिमिटर आ जाता है भाई इसका, तो ऐसी साउंड है, इसके लिए मुझे साइड में आना पड़ा, तो क्या लगा सकते हो आप अंदाजा। R15 से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना भाई, तो ये R15 को यूं चुटकी में मसल देगी, चुटकी में। निंजा 300 को भी चुटकी में मसल सकती है ये गाड़ी। पीछे की टायर की तरफ बात कर लूँ तो C8 के टायर आते हैं इसके अंदर, जिसकी जो प्रोफाइल है वो 150 है, 60R17,
तो 150 लो प्रोफाइल होते हैं क्योंकि इनका जो कॉर्नर होता है कॉर्नरिंग करने के लिए मुड़े होते हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा ये वॉल कम मिलेगी। और चौड़ाई देखो यार इसकी, काफ़ी अच्छी चौड़ाई है। ठीक है, नई वाली के अंदर आपको जैसा बताया कि इसके अंदर चेसिस दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन ये सिंगल चेसिस में आती है। पेंट क्वालिटी भी अच्छी है, और इसका माइलेज की बात करें तो 35 से 40 का माइलेज हाईवे पे दे देती है। बाकी इसका ये देखो, यहाँ पे कूलेंट का टैंक है, तो बकायदा इसके अंदर कूलेंट भी पड़ता है। आपको भी पता है कि 125 KTM की कोई सी बाइक ले लो, आपको कूलेंट का मिलेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट वाला है, तो इस वजह से ना इनके अंदर कूलेंट डाला ही जाता है। यहाँ से देखो, ये देखो कूलेंट, और भाई काफियों का सपना होता है। आज की डेट में इसका, अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो BS6 का अंदाजा दे देता हूं, जिसके अंदर आपको 360,000 की कीमत पड़ रही है। जब ये गाड़ी आती थी तो उस टाइम पे ये 330,000 से लेके 347,000 तक इसका मतलब रहता है, टॉप ऑफ सारा कुछ लगा लोगों के। बता देता हूँ, अगर किसी को दिल्ली वाले भाई को ये बाइक चाहिए तो भाई ये सेल के लिए भी अवेलेबल है, और इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 2.5 लाख रुपए है। बाकी आओगे ऑन टेबल नेगोशिएबल भी हो जाएगा, फाइनेंस भी करवा देंगे इस बाइक को। और ये बाइक चली कितनी है वो मैं दिखा देता हूँ, और 175 इसकी टॉप स्पीड रही है। एक सेकंड, 11,333 किलोमीटर चली है टोटल। ये थी भाई KTM की RC, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई बहुत ही अंडररेटेड हो चुकी है आज की डेट में, और लोग KTM पता नहीं क्यों पसंद नहीं करना चाहते, या फिर KTM का ना लोगों ने बदनाम कर दिया कि KTM छपरी ब्रांड है, ये है वो है, लेकिन भाई चला के देखोगे ना आपको स्वाद अलग ही आएगा। तो ये पावरफुल मशीन होती हैं, और जब भी आप इनके थ्रॉटल को हाथ में रखोगे ना, तो भाई थ्रॉटल रखने के साथ साथ ना आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, तब ये बाइक आपकी जान नहीं लेंगी। वरना काफ़ी बंदों की ना जान चली गई है इस चक्कर में कि उन्होंने एक KTM ले ली है और थ्रॉटल पे अपना ईगो डाल दिया है, तो वहीं पे भाई किसी को देख के किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में एकदम से खींच दी भाई, तो वहीं पे भाई उनका एक्सीडेंट हो गया और भाई चले गए। ठीक है, चाहे आप 40 लाख की बाइक ले लो, चाहे 50 लाख की बाइक ले लो, चाहे 60 लाख की बाइक ले लो, चाहे Y2K ले लो, भाई अगर आपका थ्रॉटल पे आपका ईगो आ जाता है ना, तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो जाता है। तो ये प्यार से चलाने वाली, कहते नहीं है एक इंजीनियरिंग मार्वल, तो ये उस टाइप की बाइकें हैं। तो भाई ये मत सोचना कि थ्रॉटल पे आप एकदम से खींच लोगे, कूल दिखोगे, ये जिम्मेदारी के साथ चलाने वाली मशीनें हैं, और भाई ये भागने में तो अलग ही लेवल का मज़ा देती है। ठीक है, तो कैसे लगी आपको KTM की RC390 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यहीं करता हूँ वीडियो का एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। KTM से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, पहले भी 125 लाया हूँ, 250 लाया हूँ, RC390 लाया हूँ, अभी पुराना लाइनअप सारा ख़त्म करेंगे। शोरूम तो आपको भी पता है, शोरूम पे तो हर कोई दिखा देता है, इतना चलने के बाद गाड़ी की कंडीशन क्या रहती है वो दिखाने वाला हूँ आपको, और KTM के अंदर क्या बढ़िया है क्या बुरा है सब इसमें बताऊँगा आपको। ठीक है, बुरा यही है कि भाई इसके अंदर थ्रॉटल पे आपको ईगो नहीं रखना है, बुरा ये है कि भाई जहाँ इसके देखो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, तो बुरा नहीं कह सकते, अपने हिसाब से ठीक सर्विस हो जाती है 3,500-4,000 में, या 5,000 तक सर्विस जाती है कंपनी के अंदर इसकी, क्योंकि ऑयल चेंज होता है, कूलेंट चेंज होता है। ठीक है, फिर उनका लेबर चार्ज है, मेन चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी वियर एंड टीयर पार्ट तो भाई लगे ही रहते हैं, जस्ट लाइक आपके टायर हैं ये वियर एंड टीयर होंगे, आपके क्लच हैं वो वियर एंड टीयर होगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें भी ये वाली बात मत रखना कि भाई इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, भाई देखो परफॉर्मेंस है। हाई स्पीड में रोकने के लिए आपको अच्छे ब्रेक्स चाहिए, हाई स्पीड में कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छे टायर चाहिए, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो यहीं करता हूँ वीडियो का एंड, होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक ले जय हिंद और वंदे मातरम। बाकी ये सीट होती है भाई, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा सकते हो इस पर, ये देख रहे हो सीट होती है ये।